हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारे मैं कंपोनेंट्स स्मार्ट होम ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के रिगार्डिंग मैंने रखे हुए हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि बिगिनर मोड को भी कवर करूँ, एक इंटरमीडिएट कोई होम ऑटोमेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी काफ़ी रहे, और एक जो एडवांस लेवल है थोड़ा सा मैं उसको भी कवर करना चाहूँगा। ऑल दो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो एट अ ग्लांस मैं हर प्रोडक्ट को समझाता जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए जितने से जितने ज़्यादा प्रोडक्ट मैं बता सकूँ मैं कोशिश करता हूँ बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोडक्ट हम सबसे कॉमन प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, ये है बेसिकली एक सोनोफ स्मार्ट स्विच ये है, और एक ये DIY बेसिक स्विच करके आता है, बहुत ही आसान प्रोडक्ट है इसको ऐड करना। और ये देखिए बेसिकली इस तरह की पैकिंग में आता है ये सोनोफ स्मार्ट स्विच। इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, जहां पे देखिए आप यहां पे देख पा रहे हैं इनपुट लिखा हुआ है, तो इसमें इनपुट में आपको इसके अंदर वायर कनेक्ट कर देने हैं, एंड देन सेम चीज आउटपुट है, तो उस आउटपुट में आपको वायर्स दोबारा रिकनेक्ट कर देने हैं। तो आप किसी भी चीज का इनपुट देंगे तो यहां से आउटपुट ले सकते हैं, और फिर इस बटन के थ्रू थोड़ी लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसकी ऐप से ये कनेक्ट हो जाएगा, जिसका दूसरा वीडियो आप इंटरनेट से देख सकते हैं इसको कनेक्ट करने का। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और ये 10 एम्पियर के करंट रेटिंग में आता है, जो कि बहुत पावरफुल है आपके जितने भी होम अप्लायंसेज हैं, हैवी अप्लायंसेज को छोड़ के, एसी और गीजर इस तरह के अप्लायंसेज को छोड़ के बाकी सारे अप्लायंसेज के लिए ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैं इसकी ऐप का भी आपको अब एक स्नैपशॉट दिखाता हूँ कि इसकी ऐप कैसी है। कि ऐप है रेदर, ये ऐड डिवाइस करना होता है और उसके बाद प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। ऑल्दो ये सोन ऑफ की ऐप नहीं है, ये दूसरे वाले की ऐप है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट आता है टूया, इसका ब्रांड है जो कि इस प्रोडक्ट को बनाता है। ये अगेन बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है टूया की तरफ से, जो कि सोन ऑफ और सोन ऑफ से ज्यादा बेटर काम कर सकता है। मोर और लेस प्रोडक्ट सेम है, बट सोन ऑफ ने क्या किया हुआ है, उसने अपना जो सर्वर है वो चाइना पे रखे हैं, और टूया ने ये सर्वर्स अपने अमेजन AWS पे रखे हैं। तो आपको सर्वर का परफॉर्मेंस, मतलब स्विच ऑन ऑफ करने के टाइम पे लेटेंसी का रेट आपको इस टूया में मिलेगा। टूया में ऐप दो नाम से आती है, TUYA टूया के नाम से आती है, दूसरी स्मार्ट होम करके आती है। तो इन दोनों ही ऐप से आप इस डिवाइस को अगेन कंट्रोल कर सकते हैं। इन डिवाइस को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, बहुत ही आराम से आप टाइमर लगा सकते हैं। तो बहुत सारे पावरफुल फीचर्स अगेन इनपुट आउटपुट में बस कनेक्ट करने से आपको मिल जाते हैं। ये आपके राउटर के थ्रू वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है, इसी में ये 2 चैनल और 4 चैनल ऑटोमेशंस के आते हैं। बेसिकली ये 2 चैनल है और ये 4 चैनल है। ऑल्दो इसकी PCBs और स्टाइल्स चेंज होते रहते हैं, तो प्लीज इसके लेआउट पे मत जाइएगा। तो इसमें होता क्या है, उसमें आप सिर्फ एक सिंगल चैनल कनेक्ट कर सकते थे, इसमें आप 2 चैनल कनेक्ट कर सकते हैं, और इस वाले पीस में आप 4 चैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन आपको 4 बटन मिल जाते हैं या 2 बटन मिल जाते हैं ऐप से कंट्रोल होने के लिए। इसमें इवन आप एक चीज बहुत अच्छी और देखेंगे कि इसमें ये RF रिसीवर लगा हुआ है। ये RF रिसीवर बेसिकली इसलिए होता है कि आप रिमोट से इनको कंट्रोल कर सकें। तो जैसे इस स्विच में आपका जो सोन ऑफ स्विच था, इसके साथ इश्यू ये आता है कि अगर आपकी ऐप नहीं चल रही है अच्छी तो आप लोकली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब ऑन ऑफ नहीं कर पाते हैं। बट इसमें आपको एक रिमोट मिल जाता है, जो कि ये मैंने बहुत सारे हमारे पास रिमोट हैं, बहुत ही लार्ज वैरायटी ऑफ 433 एंड 315 रिमोट हम लोग करते हैं। तो ये रिमोट हुआ, चाहे ये वाला रिमोट हुआ, मोर और लेस सबका फीचर्स एंड फंक्शनिंग सेम होती है। चाहे ये रिमोट हुआ, ये भी बहुत नया रिमोट का मॉडल हमारे पास आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे रिमोट्स के मॉडल हमारे पास आते हैं, तो आप इसको ऑन ऑफ रिमोट से भी कर सकते हैं, एज वेल एज ऐप से भी कर सकते हैं। आपको मैं रिमोट का एक मॉडल और दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ये बहुत ही लॉन्ग रेंज रिमोट है, ये रिमोट मतलब बिना किसी बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो ये रिमोट आपका लगभग 1 किलोमीटर तक काम कर जाता है। तो ये बहुत ही पावरफुल रिमोट है जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद ये मोशन सेंसर है,
ये मोशन सेंसर ह्यूमन के मोशन डिटेक्ट करते हैं। इसमें अगेन 3-4 वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट आता है जो कि आपकी होम वायरिंग के साथ लग जाता है और आप अपने घर को ही घर की किसी भी जैसे बाथरूम में यूजुअली फिट होता है कि कोई भी जाए वॉशरूम तो वो लाइट ट्रिगर होके ऑन हो जाती है। ऐसे ही वायर्ड वेरिएंट आते हैं। ये अभी मेरे पास हाथ में वायर्ड वेरिएंट है, देख सकते हैं आप लोग, वायर लगा हुआ है और इसमें 3 कंट्रोल होते हैं। टाइम का कंट्रोल होता है, फिर सेंसिटिविटी कंट्रोल होता है और उसकी लक्स का कंट्रोल होता है कि कितनी रोशनी में वो ट्रिगर करेगा। तो ये वाईफाई वेरिएंट भी आता है और उसके बाद इसके साथ साथ एक वायरलेस वेरिएंट भी आता है 433 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो ये सारे वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बेसिक वालों के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट वालों के लिए है। ये बेसिकली जो सॉन ऑफ डिवाइसेस होते हैं ईवी लिंक पे काम करते हैं, ये उसका वाईफाई यूनिट है। ये अगर आपको बनाने आता है तो आप इस रिले के थ्रू, इस रिले बोर्ड के थ्रू इसको इंटीग्रेट करके एक खुद का वाईफाई यूनिट बना सकते हैं। आपको कोई कोडिंग, कोई सर्वर करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे और फिर रिले लग जाएगा और ऑटोमेटिकली आप ईवी लिंक करके जो ऐप होती है उससे अपने डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको एक लाइन भी कोड का नहीं लिखना है, सिर्फ इस हार्डवेयर को अपने रिले से कनेक्ट करना है। बट ये अगेन एक इंटरमीडिएटरी चीज है, तो मैं नहीं सजेस्ट करता कि जो स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है वो इसको छुएं। बट अगर कोई कर सकता है तो बहुत ही ईजी है इसको इंटीग्रेट करना। इसमें आप डायरेक्ट अपने डिवाइसेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एसी, फैन, इन सब के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है जो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद फर्दर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये ब्रॉडलिंक का हब है। ये ब्रॉडलिंक का हब, अब धीरे धीरे इसकी क्रेज खत्म हो रहे हैं क्योंकि जितने भी वाईफाई यूनिट्स हैं वो वाईफाई यूनिट्स अब बिना हब के भी काम कर जाते हैं। हालांकि हब का अपना ही एडवांटेज होता है, वो ऑनलाइन और विदाउट इंटरनेट ऑफलाइन भी काम करता है। साथ में इसमें इंफ्रारेड ब्लास्टर भी होता है जिससे बहुत सारे आपके जो रिमोट हैं, टीवी के रिमोट हैं या एसी के रिमोट हैं, उनको आप कॉपी कर सकते हैं इस डिवाइस से ऐप के थ्रू और फिर ऐप से ही आप इस ये डिवाइस जो है आईआर रेज एमिट करता है और आपके टीवी को कंट्रोल कर सकता है। तो ये हब बहुत ही पावरफुल हब होता है। इसके साथ साथ ये 433 मेगाहर्ट्ज़ के अगर आपके पास डिवाइसेस हैं जैसे मोशन सेंसर हुआ या फिर डोर सेंसर हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये डोर सेंसर है और ये 433 मेगाहर्ट्ज़ का है। ये डोर सेंसर 433 मेगाहर्ट्ज़ का है तो इसको आप इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं और जैसे ही डोर पे अलार्म ट्रिगर होगा तो इवन ये भी बजर करेगा, आपको ऐप पे भी पता लगेगा और ये लोग आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट, तो इंटरनेट की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। सेम मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सोलेनॉइड वॉल्व होते हैं। ये आपके डोर को ऑन, ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी 1-चैनल रिमोट मॉड्यूल के साथ या 2-चैनल रिमोट मॉड्यूल के साथ, तो जब भी आप बटन प्रेस करेंगे तो ये ऐसे लॉक पीछे हो जाएगा और फिर आप डोर खुल जाएगा एंड देन जब आप ऑन कर देंगे तो ये लॉक बाहर आ जाता है जिससे वो लैच में जाके फंस जाता है एंड देन वो डोर लॉक हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा डिवाइस है अपने होम ऑटोमेशन की कैटेगरी में। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रिमोट्स अगेन आप देखेंगे, ये प्रीपेयर्ड और पेयर्ड आते हैं विद इस रिसीवर के साथ। तो अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इन रिसीवर्स के साथ इसको किसी चीज़ के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम है मेरे पास ये माइक्रोवेव रडार सेंसर है, बट ये सारी फिर इंटरमीडिएटरी भी नहीं रही, थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे जाकर के आपको अगर होम ऑटोमेशन करना है तो ये आरएफआईडी कार्ड्स हैं, ये आरएफआईडी भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट फॉर अ बिगिनर मुझे लगता है कि सबसे आसान ये जो सोन ऑफ के वर्जन थे या फिर ये टुइया वाले वर्जन स्मार्ट लाइफ के, ये ह्यूमन सेंसर और इन सारे प्रोडक्ट को ये 4-चैनल
रिले वाला इसमें कर सकते हैं। इसमें एक 16 एम्पियर भी आता है, जिस 16 एम्पियर के थ्रू आप एसी एंड लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट को आप हमसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं, हमारे पास स्टॉक रहते हैं, बहुत बार स्टॉक नहीं रहते क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट तो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं जिसमें 15-20 दिन का टाइम लग जाता है। एक और बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बेसिकली ये एक टच स्विच है, बट ये मिरर टच स्विच है। ये मिरर टच स्विच क्या होता है कि मिरर के पीछे लग जाएगा, बैक साइड ऑफ मिरर लग जाएगा, और मिरर के आगे से आप टच करके उस लाइट्स एंड उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है जिस मिरर में इंटीग्रेट होता है, अगेन वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसको आप लगा सकते हैं अपने मिरर में और बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, हमारे पास बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैं वीडियोस बना करके लाता रहूँगा आपके लिए और आप लोग को दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।